आपने अभी तक TMD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TMT न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मंगलवार कहते हैं कि जनता का जब गुस्सा फूटता है तो सब तबाह कर देता है। प्रदेश में कई सरकारें आई और गई, कई नेता वादा करके चले गए, मगर पन्ना के सरहंजा पंचायत अंतर्गत आने वाले उड़की गांव में लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वैसे भी बुंदेलखंड का पन्ना जिला अन्य जिलों की अपेक्षा सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। देश आजाद हो गया पर उड़की गांव के लोग आज भी कुएं के मेक की तरह हैं। गांव के लोगों का कहना है कि वर्षों से नेता चुनाव के समय गांव में वोट मांगने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन चुनाव होते ही उन्हें भूल जाते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, आजादी के बाद से यही चला रहा है, लेकिन गांव की हालत जस की तस बनी हुई है। गांव की सड़क गड्ढों में तब्दील है, खेतों के बीच से होकर उन्हें निकलना पड़ता है, जिस कारण से ग्रामीणों ने आने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का फैसला किया है। ग्रामीणों ने घर में रोड नहीं तो वोट नहीं की तख्तियां लिखकर टांग रखी है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने चौराहे पर जूतों की माला बनाकर टांगी है ताकि कोई भी नेता वोट मांगने आएगा तो यह जूतों की माला ग्रामीण उन्हें पहनाएंगे। घर मनाए के पक्का बन गए, इतने कुछ के विकास नहीं है, चाहे मारो धारो हो और रोट नहीं है बेटा, मारे धारे उन खटोली में टांग के ले जाते अस्पताल। कितने साल से स्थिति है ऐसी गांव की? जब से हम उड़की में देहरी लात मारो है जब से है, और आगे से रोड के रोड न गया खाने बनाई थी रोड बना थी बोर्ड डाले बोर्ड डालें बोर्ड डालेंगे। अब वोट नहीं देने, बिल्कुल नहीं देने, यहाँ करने को गाँव से नहीं जाने और दही से जूता देने हो, माला टंगे हो तो चप्पल देने जाने जो घर कुछ हो गई तो सुधो ऐसा ही कहना है हमारे घर की तरह ही ना भाई सुधर चप्पल पाई है। अभी जस्ट मैंने ज्वाइन किया और आपने ये समस्या मेरे सामने रखी, मैं सबसे पहले अपने अधिकारियों को वहाँ पर निर्देश कर दिया है, वो जाकर वो मौके पर देखेंगे और गाँव वाले की समस्या समझेंगे और जरूरत पड़ी तो मैं खुद जाकर कल गाँव वाले से बात करूँगा और उनकी समस्याओं को निराकरण का हम संभव प्रयास करेंगे ताकि उन्होंने जो प्रण किया है चुनाव का बहिष्कार कर लिया वो इसके ना बढ़ पाए। ये हम पर्सनली अपने लेवल पर देखेंगे, आज हम अपने अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि जाकर कल तक हम लोग रिपोर्ट दें और क्या स्थिति है, वहाँ से हमको अवगत कराना चाहिए।